बॉय ऑन अ क्लिफ 480 मीटर हाई, मैंने बिल्डिंग बना दी है, कोई बात नहीं, काफी ऊंची क्लिफ है, वहां से एक बच्चा एक स्टोन फेंकता है एंड उसके बाद एक और स्टोन फेंकता है, दोनों के फेंके जाने के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 1 सेकेंड है ना। He throws a second stone after the first. They both hit the ground at the same time. What speed does he throw the second one? तो पहला वाला जो है वो free fall है। तो free fall होने की वजह से वो कुछ time लगाएगा। और दूसरा वाला जो है वो पटकने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। तो भले उसकी entry, उसकी starting थोड़ा late हुई है, उसके बावजूद वो दोनों एक साथ पहुंचे जा रहे हैं, ठीक है? तो समझिए, जो फ्री फॉल होगा वो तो ऐसे ही हो जाएगा, और जब पहला स्टोन थोड़ा नीचे पहुंच चुका होगा तब ये वाला स्टोन फेंका गया, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो इसलिए ये भी इसके साथ ही पहुंचा। तो पहले वाले ने टाइम लिया अगर टी, तो दूसरा वाला तो फेंका गया है कितनी देर बाद, 1 सेकंड बाद, वो बाद में आया है तो उसने टाइम कम लगा होगा, तो इसने टाइम लिया टी माइनस वन। पहले वाले ने लिया टाइम टी, दूसरे वाले ने लिया टी माइनस वन। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई या नहीं, बोलिए। ओके, वेरी गुड। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से ही आपको मिल जाएगा s is h is equal to ut plus half gt square। फर्स्ट वाले से ही आपको t पता चल जाएगा, ये 480 है, u 0 था, है ना? यहां पे u 0 था, जो पहला वाला फ्री फॉल से गिराया गया था, ये 1/2। और यार यहाँ पे 480 है तो अपन 9.8 लें तो ज्यादा अच्छा होगा, और आई थिंक दिया ओके, इन्होंने 9.8 नहीं लिया, इन्होंने 10 लिखा है, ठीक है, हाँ 490 होता तब 9.8 लेते हैं, ठीक है 10 लिया है, कोई बात नहीं, टी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो प्लस का होना ना होना एक ही बराबर है, और ये हो गया 96। टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू अंडर रूट 96। तो टाइम तो ज्यादा अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है दूसरा वाला किस वेलोसिटी से फेंका गया है, दूसरा वाला वेलोसिटी, अब ये टाइम कितना ले रहा है, t माइनस वन ले रहा है ना, तो यहां पर h इज इक्वल टू यू टी माइनस वन प्लस हाफ जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है, यहां से u आ जाना चाहिए, ओके ठीक है, थोड़ा सा ये 480 हो जाएगा, यू टी माइनस वन, अभी ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सारा कर दे रहा हूं मैं, हाफ जी इंटू वन स्क्वायर। अच्छा चलिए यार, फिर मैं भूल जाता हूं, आप लोग नाइन्थ में हैं, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, ठीक है, तो 480 u t माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर प्लस g बाई टू प्लस या माइनस, टू और टू कैंसल हो जाएगा, तो g t बस माइनस g t है ना, 1/2, ठीक है, होपफुली कुछ कट नहीं रहा है यहां से, हाँ नहीं कुछ कट रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि 480 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है कि नहीं है, यार u तो जीरो ही है ना, 480 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, आप वैल्यू रखे चाहे ना रखे, ठीक है,
तो ये और ये कैंसल हो जाना, ठीक है। अब हमारे पास ज्यादा काम नहीं बचा हुआ है। दिस इज जीरो यू इंटू अंडर रूट 96 माइनस 1 और दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 इंटू अंडर रूट 96, ये हो रहा है। ये 5 है, 10 इंटू अंडर रूट 96 माइनस 5 u इंटू अंडर रूट 96 माइनस 1। मैं अंडर रूट 96 बिल्कुल लास्ट में लिखना चाहता हूं। वेरी गुड, आई थिंक कुछ बढ़िया होने वाला है। 5 कॉमन ले लीजिए, नहीं होने वाला है बढ़िया। 296 माइनस 1 एंड u आ जाएगा अंडर रूट 96 माइनस 1, ठीक है। अब आपको अल्टीमेटली अंडर रूट 96 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर आएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप अगर ये डेसिमल वाली वैल्यू यहां लिख देते तो इसे कैलकुलेट करना और भी मुश्किल होता। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो हम लोग ने थोड़ी मेहनत से अंडर रूट 96 निकाल लिया है, वो लगभग 9.8 आता है, तो 2 इंटू 9.8 हो जाएगा 19.6, तो ये पूरा हो जाएगा 18.6 और 9.8 में से 1 जाएगा तो ये 8.8 आ जाएगा। और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा जो बुक में आंसर आ रहा है 10.66, मेरा सिर्फ 10.6 आ रहा है थोड़ा राउंड ऑफ करके, सो आई थिंक इट शुड बी करेक्ट। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लें, 480 मीटर की जगह आप लिख लें 500 मीटर, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, टाइम जो है आपका सही से आ जाएगा। बट ये इन्होंने नहीं किया, और एग्जाम में अगर आएगा आपके और स्कूल में तो वो 500 मीटर ही देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। या ये कर दें कम से कम इसको 490 मीटर कर दें और फिर बोलें जी 9.8 लो, तब भी अपना काम बन जाएगा।